पेटीएम ब्लेम कर देंगे हम। ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है। इतना छेल के ताप दे तो इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। मेरे भाइयों, गाजर की खीर किस तरीके से तैयार होती है आज की रेसिपी में मैं मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। टेस्टफुल तैयार होने वाली खीर है, कमाल की खीर है, सीजन की खीर है। गाजर के सीजन में मेरे भाइयों आप तैयार कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए भी कर सकते हैं, इसका कारोबार भी कर सकते हैं। मुकम्मल गाइड करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। गाजर की खीर तैयार करने के लिए बड़े वाली इस तरह की खीर वाली मैंने गाजर ले ली 1 किलो, और ये वाली साइड आप इसे थोड़ी थोड़ी काट दे हुए, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से हमने धो भी लिया था इसको, अब इसको हम छील लेंगे इस तरीके से। सब गाजर इस तरीके से छील ले, सारी गाजरें छील ली, अब इसको कद्दूकस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कद्दूकस कर ली, इसको इस तरीके से उठा के इसमें डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉल पे इसके साथ का चूल्हा ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया, ठीक हो गया। इसके साथ का पैन यहाँ पे चढ़ा दें, 100 ग्राम घी इसमें शामिल कर दें। अगर आपके पास देसी घी है आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। इसको मेल्ट होने दें, आयल नहीं दाब देना बेच। घी मेल्ट होने के बाद गाजरें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने भूनना है, मीडियम फ्लेम कर देंगे हम और 30 मिनट तक हम इसको भूनते रहेंगे, ठीक हो गया, अच्छे तरीके से। हाँ जी, 30 मिनट हम इसको भूनेंगे। 30 मिनट के बाद फिर आपको इसी कंडीशन दिखाएंगे। ये ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट के बाद अच्छे तरीके से भुनाई हो गई और गाजरें अच्छे तरीके से सुकड़ गई और सही तरीके से इसमें हमने घी में भून लिया। इस टाइम पे आके हमने क्या करना है, 4 अदद सब्ज इलायचियां थी इस तरीके से कूट लिया, शामिल कर दें। 1 कप चीनी का या 150 ग्राम शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से चीनी को इसमें मेल्ट होने दें। चीनी मेल्ट करने के बाद ये हमारे पास दूध है, कच्चा दूध, ठीक हो गया, ये 2.5 लीटर है, ठीक हो गया, ये इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच को दम वाले फ्लेम पे कर दें और इसको अच्छे तरीके से बॉयल आने दें। ये लीजिए, ये बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हमने इसको 20 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे और 20 मिनट तक इसको पकने देंगे, जब तक ये गाढ़ा होने की तरफ नहीं जाता, ठीक हो गया। 20 मिनट इस तरीके से आप हिलाते हुए इसको पकाइएगा। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन है तो आप कभी कभी हिला सकते हैं, अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो आपको साथ ठहरना पड़ेगा चम्मच हिलाने के लिए इस तरीके से, ठीक हो गया। इसको हम 20 मिनट पका लें, फिर मिलते हैं आपसे। ये जी, अल्हम्दुलिल्लाह मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 20 मिनट हो गए। हमने 2.5 किलो दूध शामिल किया था और अब ये 1 किलो दूध खुश्क हो गया, 1.5 किलो इसमें बच गया। मेरे मुंह की तरफ कैमरा कर। कुछ लोग गाजर की खीर बनाते हैं जब, तो वो गाजरों को घी में नहीं भूनते, उस तरीके से भी बना लेते हैं, गाजरा दबिया वेज, दूध दबिया वेज, चीनी, लेकिन उसका कलर फुल नहीं बनती, वो वाइट वाइट सी बनती है। हमने थोड़ा सा इससे खोए वाला कलर लाने के लिए, थोड़ा सा डार्क कलर लाने के लिए इसको अच्छे तरीके से पहले हमने घी में भुनाई किया, टेस्टफुल बनाने के लिए। बात समझ आ गई आपको। इस टाइम पे आके आपके घर में दूध से उतरी हुई मलाई पड़ी है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ये टेट्रा पैक क्रीम है, ठीक है, ये भी शामिल कर सकते हैं, 3 टेबल स्पून भी शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये कंडेंस मिल्क 2 टेबल स्पून ये शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है इस तरीके से, ठीक हो गया। और ये मेरे पास किशमिश है 2 टेबल स्पून, मैंने पानी में भिगो के रख दी थी अच्छे तरीके से, ये देखें, ये शामिल कर दें इस टाइम पे आके। ये पक रही है अभी, फ्लेम को बंद नहीं करना। ये बादाम है 2 टेबल स्पून, ये शामिल कर दें,
ये खोपरा है कटा हुआ थोड़ा सा, ये शामिल कर दें और इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक मजीद पकने दें। ठीक हो गया। ये लें जी, 10 मिनट मजीद पकाने के बाद इसकी ये कंडीशन ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से होगी थिक, ये देखें। ठीक हो गया। इससे ज़्यादा ना कीजिएगा, यूँ समझें कि हमने 1.5 लीटर इसका दूध खुश कर दिया, 1 लीटर इसमें रहने दिया। ठीक हो गया। फ्लेम को बंद कर दें और ये देखें थिकनेस इसकी मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखें इस तरह का इसका साउंड आना चाहिए। कलर भी देख लें इसका किस तरह का डार्क कलर की हमने बनाई है। ठीक हो गया। 2 से 3 मिनट सिर्फ हीट निकल जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जी थोड़ी सी हीट निकल गई, इससे ज़्यादा ठंडा ना कीजिएगा पैन में। अगर इससे ज़्यादा आप ठंडा करेंगे इसको, ठंडा करके डिश आउट करेंगे तो एक इसके ऊपर ठंडा होने के बाद खास किस्म की मलाई की लेयर्स आती है, वो नहीं बनेगी फिर आपकी इस डिश आउट वाले पैन में। ये बात समझ आ गई, बॉल में फिर नहीं बनेगी। इस टाइम पे आके आपने देखा ना बनने भी शुरू हो गई ऊपर, ये देखें। ये नहीं बनने देनी आपने इसको, इस टाइम पे आके इसको यहाँ पे ये देखें इसके ऊपर ये लेयर्स ही बन रही है, ये नहीं बननी चाहिए। इस टाइम पे आके इसको यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिश आउट करने लगे हैं। ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा ना कीजिएगा। कलर देखें आप कितना खूबसूरत आया है, आया है वाइट वाली जो है ना, वे जो दूध दब के तो गाजर छील के दब दे तो इस तरह वो वैसे भी बन सकती है भाई, वो कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें इस तरीके से, सुभान अल्लाह, ये इस तरीके से सुभान अल्लाह, कमाल। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडी होने के बाद इसने मजीद थिक होना है। ठीक हो गया। ये देखें ये अब इसकी थिकनेस ये है, साउंड सुने इसका ये। ठीक हो गया। ये वाला ठीक हो गया। इस टाइम पे आके हमारे पास ये बादाम है कटे हुए, ये इस तरीके से लगा दें, कोई मसला नहीं है। ये नहीं, ये बारीक खोपरा है इस तरह कटा हुआ, ये इस तरीके से रख दें, कोई मसला नहीं है। ठंडा करने के बाद आपने यूज करना है, ये इस्तेमाल करनी है, गरम गरम नहीं खानी है। नू गल समझ आ गई है। ठंडी होने के बाद खीर खाई जाती है, ये बात आपके जहन में रहे। ये ले जी गाजर की खीर, डार्क कलर वाली गाजरा भुन के कैसे बनाई जाती है, मुकम्मल गाइड कर दिए मेरे भाइयों आपको। ठंडा होने के बाद इन्हों मेहमानों को देना है, अपने बच्चों को खवाना है। ठीक हो गया। गरम गरम नहीं दाब देनी। अगर आपको हमारी ये गाजर की खीर की रेसिपी अच्छी लगी हो, अच्छा जितनी भी वरायटी हैं मुकम्मल सिखाऊंगा आपको, जो बगैर भुनी हुई है वो भी सिखा दूंगा, भुनने वाले भी सिखा दूंगा, पानी अच्छे में तैयार होंगी वो भी दस देंगे। तरतीब वाइज सब रेसिपियाँ आप तक पहुँचेंगी। आपको अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि आप बाबा जी की सपोर्ट करें तो हमारे चैनल को शेयर करें मेरे भाइयों। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें मेरे भाइयों। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।